मुझे नहीं लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर को देशभक्त का स्पेलिंग भी आता होगा। प्रज्ञा ठाकुर देशभक्त हिंदी में बिना गूगल से कॉपी किए हुए लिख नहीं सकती। कि प्रज्ञा ठाकुर जो है वो एक टेररिस्ट है, ठीक है। नाथूराम गोडसे जो है वो भी टेररिस्ट है क्योंकि उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपिता को मार दिया। माफ तो कर ही दिए है, वो बुरा ही काम माने, वो तो जनता के सामने सिर्फ बोले है कि बुरा मान रहे हम। अब देश के हित में कौन से नारे हैं? शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, ये नारा आज देश में देशभक्ति का नारा होगा। साध्वी प्रज्ञा जी, आपसे JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। HRD मिनिस्ट्री के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। JNU के छात्र यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फीस वृद्धि को लेकर नया मैनुअल जो लगाया गया है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके के आरोप इन पर लगाए जाते हैं कि ये एंटी नेशनल हैं, इनकी गतिविधि जो है वो देशद्रोही है लगातार, और टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, कई तरीके के भद्दे कमेंट्स भी इनके लिए किए जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से संसद के अंदर लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो BJP से सांसद हैं, भोपाल से सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताया है, उसके बारे में JNU के स्टूडेंट किस तरीके से सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर को देशभक्त का स्पेलिंग भी आता होगा। प्रज्ञा ठाकुर देशभक्त हिंदी में बिना गूगल से कॉपी किए हुए लिख नहीं सकती हैं। सबसे पहली बात ये समझ जाइए, नेशनलिज्म के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि आज देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि संसद में बैठ के खुद जो लोग टेररिस्ट हैं, जो हेमंत करकरे जैसे शहीद को गाली बकते हैं, जो बोलते हैं कि मेरे श्राप की वजह से वो मर गए, ऐसे टेररिस्ट लोग संसद में बैठ के जो है नाथूराम गोडसे जैसे टेररिस्ट को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं उनका अपमान करते हैं। तो हम एकदम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। हम मानते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर जो है वो एक टेररिस्ट है, ठीक है। नाथूराम गोडसे जो है वो भी टेररिस्ट है क्योंकि उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपिता को मार दिया। JNU के स्टूडेंट्स को या पूरे JNU को जो लोग एंटी नेशनल कहते हैं, उनको फिर ये भी कहना पड़ेगा कि मोदी जी भी एंटी नेशनल है, क्योंकि उनकी कैबिनेट में तो दो दो लोग JNU से बैठे हैं। इस जयशंकर साहब भी JNU से हैं तो वो भी एंटी नेशनल हो गए हैं। निर्मला सीतारमन जो देश की डिफेंस मंत्री है वो भी तो कैबिनेट में बैठी है तो वो भी एंटी नेशनल हो गई। तो अब तो ये मोदी सबसे बड़ा एंटी नेशनल है, हमारा कैबिनेट सबसे बड़ा एंटी नेशनल है, नहीं है? परसेंटेज निकाल के देखिए, नीति आयोग एंटी नेशनल है, अमिताभ कांत तो JNU से हैं तो वो भी एंटी नेशनल हैं। तब तो पूरे देश में कोई नेशनल बचेगा ही नहीं। हर दूसरे जगह एक नया एंटी नेशनल निकलेगा JNU से। सारे IAS IPS में से अच्छे खासे परसेंटेज के लोग JNU से हैं। देश की सिविल सर्विसेज में इस तरीके का स्टेटमेंट ये पहली बार नहीं है। और अब तो संसद में स्टेटमेंट का एक अपना हिस्ट्री है जो JNU के ऊपर उछाला जाता है। जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उनके पास उनकी सलाहियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लें। इस तरह के लोग को मैं सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले JNU का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, उसके बाद JNU के ऊपर कॉमेंट करो। इनकी हैसियत नहीं है कि ये JNU का एंट्रेंस भी निकाल पाएँ। ये लोग जो हमें और JNU के स्टूडेंट्स को, पूरे JNU को एंटी नेशनल ब्रांड करते हैं, इनकी औकात नहीं है कि JNU की एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लें। क्या आपको क्या लगता है कि मैं तो इनको यही सुझाव देता, ये लोग वही हैं जो आधा तीतर आधा बटेर, जहां मुंह खोला भक से बोला कुछ भी बोल देने की आदत है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। और ये इस तरह का जो शेमफुल बयान आ रहा है ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। हम ये भी समझते हैं कि जो सरकार आज सत्ता में बैठी है इसका पूरा जो है पीछे से इनका बैकिंग है प्रज्ञा ठाकुर को, क्योंकि अगर इतना शेमफुल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो उनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। कैसे वो आज बैठी हुई है, मतलब रूमर्स में सुनने में आ रहा है BJP ये करेगा BJP वो करेगा, बट करेगा कब? नहीं, इन्होंने पहले भी बोला और मोदी जी ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा, तो आखिर आप क्या, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर हो के आप बोल रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे? माफी थोड़ी चाहिए भाई, आप प्रज्ञा ठाकुर को जो है उनकी पोजीशन से हटाइए। इस तरह का स्टेटमेंट वो कंटिन्यूसली देती रहती है, तो देशद्रोही जब हमें बताया जाता है, जो स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं पुलिस के, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपना फ्री एजुकेशन डिमांड करते हैं, हम अपना अफोर्डेबल एजुकेशन अपने फ्यूचर के लिए डिमांड करते हैं, उनको आप एंटी नेशनल बोलते हैं, और जो पार्लियामेंट में बैठ के इस तरह के शेमफुल बयानबाजी करते हैं उनको आप लोग देशभक्त बनाते हैं। एग्जैक्टली इसी कारण से इनको दिक्कत है, इसीलिए इसी कारण से ये JNU वालों को एंटी नेशनल ब्रांड कर रहे हैं, क्योंकि JNU सोचता है, JNU बोलता है, JNU के प्रोस्पेक्टस पे लिखा हुआ है अ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमेनिज्म, फॉर टॉलरेंस,
फॉर रीजन, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ, ये काम जेएनयू करता है, बाकी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे नहीं लिखा है और न वो करते हैं। तो जो लोग इन आइडियाज को, इन थीसिस को फॉलो करते हैं, इन विचार में, इन आइडियाज में बिलीव करते हैं, लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, स्टेट की लाठी खाते हैं, उनको ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले झोला छाप लोग देशद्रोही कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। यही इनकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है कि ये बोलता क्यों है, चुप क्यों नहीं हो जाता, दूसरे यूनिवर्सिटी वालों के तरह चुप करके रहे और फी दे, जो जेएनयू नहीं है, जो जेएनयू कभी बर्दाश्त भी नहीं करेगा। साध्वी प्रज्ञा से जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं उनके बदले चंदा करके उनके लिए एक आवेदन डाल दूंगा कि एडमिशन फॉर्म जो होता है वो मैं डाल दूंगा, उनको मैं उनके घर पे एडमिट कार्ड भी भेज दूंगा। साध्वी प्रज्ञा जी, आपसे जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, आपके पास कोई हक नहीं है बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाले हुए, बिना जेएनयू में एक सेमेस्टर पढ़ाई किए हुए जेएनयू पे लांछन लगाने की, जेएनयू को भला बुरा कहने की। आप संसद में पहुंच सकते हैं, आप जेएनयू में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी आप में उतनी सलाहियत नहीं है। अगर पहले सलाहियत डेवलप करिए, जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल के दिखाइए, उसके बाद आप भले ही कुछ जेएनयू पे बोलिए, तब हम सुनेंगे, कंसीडर भी तभी करेंगे, उससे पहले तो आपको सुनना हमारी वक्त की बर्बादी। देखिए, नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को मारा था और लगातार पूरे आंदोलन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारा आज़ादी का मूवमेंट था उसमें लगातार ये लोग धोखाधड़ी किया है, और आज इस चीज़ को छुपाने के लिए वो जेएनयू जैसे संस्था को एक कुछ उन्हें मिल गया है जिसको वो बदनाम कर सकते हैं, और बदनाम क्यों करता है ये भी समझना ज़रूरी है। जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे हर एक जगह से, इस देश के हर एक कोने से लोग पढ़ने आते हैं, लोग पढ़ने आते हैं तो अपने हक के बारे में समझते हैं, और जेएनयू एक ऐसा माहौल देता है कि वो बोल सके, वो आवाज़ उठा सके, और वो आवाज़ जब देश के हर एक कोने तक पहुंचती है तब इस सरकार को डर लगती है, और इसी आवाज़ को इसीलिए दबाने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए ये पूरा रचा जा रहा है कि ये देशद्रोही है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फीस कम होनी चाहिए ताकि इस देश का हर एक बच्चा पढ़ाई कर पाए, हम लोग बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा वो मुफ्त होना चाहिए ताकि हर एक इंसान जो फुटपाथ पे भी रहते हैं वो सुविधा ले सकते हैं। अगर इसमें हमें देशद्रोही बोल रहा है तो मुझे लगता है ये जनता के सामने साफ है कि कौन असल में देशद्रोही है, जो अंबानी, अदानी और सुशील मोदी को इस देश से देश हजारों करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स माफ दे रहे हैं, या फिर हम लोग जो इस देश की जनता की बात कर रहे हैं। कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो ये स्लोगन लेके रास्ते पे उतर रही हैं, उनको अय्याश बोला जा रहा है, और जो लोग ये स्लोगन लेके उतर रहे हैं कि महात्मा गांधी को मारने वाला देशभक्त था, वो या अलग अलग ऐसे स्लोगन, मतलब बस ये नहीं है, बहुत सारे और उनके नारे लगते हैं। अब देश के हित में कौन से नारे हैं, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो ये नारा आज देश में देशभक्ति का नारा होगा या कुछ और होगा, ये आज देश के जनता के सामने है और वो चुन लेगी। सरकार के स्टेटमेंट जिस तरीके का रहा है, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा, और उसके बाद रक्षा समिति ने उन्हें संसदीय बना दिया, हालांकि अब हटा दिया, तो क्या लगता है कि अब क्या कुछ, मतलब जो अध्यक्ष से मतलब समिति से हटाया वो काफ़ी है? देखिए, हम तो अभी बीजेपी अपना कवच बचाने के लिए अपने एक मिनिस्टर को बोल रही है कि डिफेंस पार्लियामेंट्री जो कमेटी था वहाँ से उनको उन्होंने निकाल दिया है, बोलते हुए कि ये स्टेटमेंट को हम कंडम करते हैं, मगर हमें पता है कि ये बस साध्वी प्रज्ञा का ही एकमात्र स्टेटमेंट नहीं है, बीजेपी के अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग उनके नेता नेत्री, अलग अलग कार्यकर्ता, ऐसे अनेकों स्टेटमेंट्स पिछले बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे वर्षों से देते आए हैं। अभी संसद में ये स्टेटमेंट बनाया दिया गया तो बीजेपी को अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए ऐसा कोई एक स्टेप लेना पड़ा, मगर हमें पता है ये बस एक साध्वी प्रज्ञा नहीं है, पूरे बीजेपी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पिछले बहुत सारे सालों से ऐसे स्टेटमेंट्स देश के गली गली में, कूचे कूचे में बोलते आए हैं, और अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, इस तरीके के अलग अलग स्टेटमेंट्स बीजेपी के हर कार्यकर्ता देते हैं। इसका अगर आप खुलासा चाहें तो आपके मीडिया के पास ही बहुत है, मुझे पता है। तो मोदी जी का क्या लगता है कि मन से फिर से माफ़ कर देंगे, इसका मन भारी होता रहेगा उनका? देखिए, मोदी जी पर अभी हमारे देश के पूंजीपतियों का बहुत दबाव है, तो वो मन से अब क्या किसको माफ़ करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता, उनके
देखिए, अभी मन से वो क्या माफ़ करेंगे इससे हमारा कोई नाता नहीं है। मोदी जी के मन पर हम नहीं चलते हैं, हम मोदी जी के नीतियों पर चलते हैं। जो कागज़ में वो पॉलिसी बनाते हैं हम उन नीतियों पर चल रहे हैं। और इस देश में मोदी जी के मन ने किसको माफ़ किया है हमें नहीं पता, मगर हमें पता है उनके नीति ने एक चीज़ माफ़ किया है, ये जो टैक्स पेयर्स के मनी पे एजुकेशन पर खर्चा है। दिख रहा बोलता रहता है कि JNU टैक्स पेयर्स के मनी पे है, माफ़ उन्होंने क्या किया है? आप पिछले 1.5 साल में उन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोन माफ़ किए हैं और ये कागज़ में लिखा हुआ नियम है। तो मन से वो अगर कुछ माफ़ कर रहे हैं तो वो पूंजीपति के लोन माफ़ कर रहे हैं, क्या वो टैक्स पेयर का खर्चा नहीं है? जो लोन पूंजीपति बैंक से लेता है और वो लोन वापस नहीं देता है और उसको फिर से वो लोन माफ़ करके और लोन दिया जाता है, जिसको हम कॉरपोरेट टैक्स रिबेट बोल रहे हैं हमारे देश में, ये क्या माफ़ी हो रही है? और ये किसका पैसा है? देश में जो किसान मजदूर है उसके पैसे से पूंजीपति को लोन माफ़ कर दिया जा रहा है। तो छात्रों के रस्तों से एक ही आवाज़ है, आपका मन किसको माफ़ कर रहा है हमें नहीं पता, मगर आपके कागज़ इस देश के पूंजीपतियों को माफ़ किया जा रहा है और वो टैक्स पेयर्स के पैसों से उनका मुनाफा करवाया जा रहा है। टैक्स पेयर्स का पैसा बिल्कुल स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगना चाहिए, इस विषय में हम अड़े हुए हैं। यार, न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।